गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? अब गुड मॉर्निंग यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस बेटा, एक बार कनेक्ट होने दो बच्चों को। कल हम लोग क्या कर रहे थे सर? अपन ने क्या शुरू किया था? विमीय समीकरण के उपयोग शुरू किए थे क्या अपन ने? और उसमें पहला उपयोग, तीन उपयोग बताए थे देखो मैंने आपको बेटा। पहला क्या बताया था सर? विमीय समीकरण की सहायता से। क्या कहा सर? विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर? किसी भी सूत्र की यथार्थता की जांच कर सकते हैं। किसी भी भौतिक सूत्र है सर, उसकी सत्यता की, यथार्थता की जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या फिर गलत है। कैसे चेक करना है वो मैंने कल बताया भी था आपको। क्या बताया था बताइए? कि बच्चा नहीं जुड़ जाए, इस बच्चे जुड़े, थोड़ी दिक्कत आ रही है कनेक्ट होने में आज। उसमें से बाद में जुड़ गए थे बच्चे, पर आज नेट इशू है, क्लियरिंग में नहीं है आज। तो क्या बताया था बेटा मैंने आपको सर? विमीय समीकरण के तीन उपयोग बताए थे पहले। पहला उपयोग क्या बताया था सर? विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक सूत्र या किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, वो सूत्र सही है या फिर गलत है। दूसरा हमने क्या बताया था सर? विमीय समीकरण की सहायता से हम किसी भौतिक राशि के सूत्र को व्युत्पन्न भी कर सकते हैं कि वो सूत्र आया कहां से, कैसे निकालते हैं। तीसरा सर, किसी भौतिक राशि को हम विमीय समीकरण की सहायता से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में क्या कर सकते हैं सर? रूपांतरित कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर। और उसमें से हमने पहला हमने निकाल शुरू भी कर दिया था। और पहला उपयोग क्या है सर? पहला उपयोग है सर, विमीय समीकरण की सहायता से, विमीय समीकरण की सहायता से दिए गए सूत्र के यथार्थता की जांच करना कि वो दिया गया जो सूत्र है वो सही है या फिर गलत है, उसको हम चेक कर सकते हैं। और कल हमने एक तो कर भी दिया था सर, न्यूटन की गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण था कौन सा था सर? सर ये था आपका वी बराबर यू प्लस ए टी। क्या यही था क्या? और क्या बताया था सर? बताया था, आपने समझाया था सर, यहां पर ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। माना t समय में इसका वेग u से बढ़कर कितना हो गया सर? v हो गया। कितना वेग हो गया सर? v। पहले वेग कितना था? u। बढ़कर कितना हो गया? v। क्या वेग में परिवर्तन हुआ है क्या? तो अंडर रूट है सर, क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो u कौन है? प्रारंभिक वेग वस्तु का। v कौन है? अंतिम वेग। अब वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हो सर, माना वेग बढ़ गया या कम भी हो सकता है, ठीक है? तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे सर त्वरण उत्पन्न होगा। पर बताओ t टाइम में वस्तु यहां से यहां तक आगे चलकर आ गई है क्या? तो s कौन है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्यान रखना ये समीकरण में जो भी सिंबल है, यू कौन है? प्रारंभिक वेग। पी कौन है? अंतिम वेग। ए कौन है सर? वस्तु में उत्पन्न त्वरण। और टी कौन है बेटा? टी है वस्तु को यहां से यहां तक आने में लगा समय। और एस कौन है सर? टी समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु कितनी दूरी चल के आई, कितनी ट्रेवल उसने किया सर, एस कौन है सर? तय की गई दूरी है। ओके, अब आप यहां से देखो सर, इसको मुझे चेक करना है कि सर सूत्र सही है या फिर गलत है। तो कहने क्या कैसे बताया था सर? इसमें हम क्या करेंगे सर? दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, समीकरण के
दोनों ओवर की बीमाएं लिखो, चेक करो कि क्या दोनों ओवर की बीमाएं बराबर है क्या, क्या दोनों ओवर की बीमाएं बराबर है क्या। अगर दोनों ओवर की बीमाएं बराबर आएगी तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओवर की बीमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र सही नहीं है। अब बताओ यहां मुझे बीमा किस किस की चाहिए था। यू प्रारंभिक वेग, सर वेग की बीमा चाहिए। वी कौन है सर, अंतिम वेग, सर वेग की बीमा चाहिए। ए कौन है, त्वरण, सर त्वरण की बीमा चाहिए। टी कौन, टाइम, सर टाइम, तो टी वन लिख देंगे। तो अंडरस्टूड है सर, एक तो हमें किसकी बीमा चाहिए, वेग की, और एक किसकी चीज है, त्वरण की। तो देखो पहले वेग की निकालो, सर वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। तो सर विस्थापन कौन होता है, एल वन, और समय कौन होता है, टी वन। तो एल वन अपॉन टी वन, एल वन अपॉन टी वन आएगा। सर टी वन को ऊपर ले जाओ आप, तो कितना आएगा, एल वन टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन। हमने वेग की कीमत तो निकाल भी ली। अब बताइए और किसकी, सर त्वरण की बीमा भी चाहिए, सर त्वरण की बीमा भी निकालिए। तो देखो यहाँ त्वरण ए बराबर कितना आएगा, सर ये आएगा वी अपॉन टी। त्वरण ए बराबर कितना आएगा, सर वी अपॉन टी आएगा। तो सर ये है वेग में परिवर्तन की दर। तो सर वेग की कीमत कितनी आई, सर एल वन टी माइनस, ये कनेक्ट यहाँ लिखो इसको, तो कितना आएगा सर, एल वन टी माइनस वन अपॉन में कौन है, सर सर अपॉन में है टाइम टी। तो सर इसको क्या लिख देंगे, टी वन, वापस से क्या लिखेंगे, टी वन। तो देखो एक टी माइनस वन ऑलरेडी है, जब इस टी वन को ऊपर लेकर आओगे तो एक टी माइनस वन और आएगा, तो एक माइनस वन ऑलरेडी है, एक और है तो कितना होगा, माइनस का टू हो जाएगा। तो ये हो गया सर एल वन टी माइनस टू। तो बताइए क्या हमने वेग की कीमत निकाल ली क्या, हाँ सर। क्या हमने त्वरण की कीमत निकाल ली, हाँ सर। अब उठा के यहाँ रखो आप और चेक करो कि क्या दोनों ओर की बीमाएं बराबर आ रही है। क्या करना है सर, हमें चेक करना है कि क्या दोनों ओर की बीमाएं बराबर है क्या। अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर नहीं तो सूत्र सही नहीं है। अब बताइए तो लिखो सर, यू कौन है सर, प्रारंभिक वेग। वी कौन है सर, अंतिम वेग। पर मैंने कल समझाया था कि वेग चाहे प्रारंभ का हो चाहे अंतिम का हो, आपको बीमा वेग की ही लिखनी है। तो बताइए यहाँ v कौन है, अंतिम वेग, तो क्या लिखेंगे, l1 t माइनस वन बराबर। आगे बढ़िए, अब बताओ u कौन है, सर u है प्रारंभिक वेग। u कौन है आपका, प्रारंभिक वेग है। तो सर इसका कितना आएगा, सर इसका आएगा l1 t माइनस वन, ओके। फिर प्लस आगे चलिए, फिर कौन है सर, a कौन है, त्वरण है सर, एक कौन है आपका, त्वरण है। तो त्वरण की कीमत कितनी निकाली हमने, सर ये निकाली L1 T माइनस टू। कितनी निकाली सर, सर ये हमने निकाली है L1 T माइनस टू है सर। अब इनटू में बोलो कौन है, T है सर, इनटू में कौन है, T है, ये आ गया सर L1 T माइनस टू, और इनटू में कौन है, T है। तो बताइए इस T को क्या लिखेंगे, T1, T को क्या लिख देंगे, T1। अब सॉल्व करिए, तो देखो यहां कौन था, अंतिम वेग, तो वेग की कीमत आई। ये कौन है, प्रारंभिक वेग, तो वेग की कीमत आएगी। फिर कौन है, त्वरण, तो त्वरण की कीमत, और ये कौन है, टाइम, तो टाइम की। अब सॉल्व करो, तो ये तो कितना है सर, ये है L1, कौन है सर, सर ये है L1 T माइनस वन बराबर। सर ये भी वही है L1 T माइनस वन प्लस। अब सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई में सॉल्व करिए, तो कितना आएगा L1, सर L1 तो L, एक सिंगल तो L1 ही आ जाएगा। पर देखो T की पावर कितनी है, माइनस टू, और ये कितना, T की पावर कितना है, प्लस वन। तो आप जानते हो अगर बेस समान है, आधार समान, तो घाते जुड़ जाती है। तो L की पावर कितना आएगा सर, सॉरी T की पावर कितनी आएगी सर, T की पावर आएगी माइनस टू प्लस वन। तो माइनस टू से वन जाएगा तो कितना आएगा, वन, माइनस का वन, तो कितना आएगा सर, ये आएगा T की पावर माइनस वन। तो आप देखो, अब आप दोनों ओर की बीमाएं देखो, सर ये कितना है L1 T माइनस वन, यहाँ भी कितना है L1 T माइनस वन, ये भी कितना है L1 T माइनस वन। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, दोनों ओर की बीमाएं बराबर है, या ऐसे बोलो दोनों ओर के प्रत्येक पद की बीमा क्या है, बराबर है। और हमने क्या बताया था कि अगर समीकरण या सूत्र के दोनों ओर की बीमाएं बराबर है, दोनों ओर की बीमाएं क्या है, बराबर है, तो जो सूत्र हमें दिया गया है सर वो क्या है, वो सर वो सही होगा, वो क्या है सर, सही है। अगर बीमाएं बराबर नहीं तो सही नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर है तो सूत्र सही होगा। तो इसको हम सर, कौन एम नजर नहीं आ रहा, तो आप एम की घात जीरो बना के लिख दें, तो आएगा एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन प्लस एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ये लो, क्या आपको फर्स्ट समझ में आया क्या, न्यूटन की गति का पहला समीकरण हमने लिया और दोनों ओर की बीमाएं लिखी, और क्या देखा हमने सर, सर दोनों ओर की बीमाएं क्या आ रही सर, बराबर आ रही। दोनों ओर की बीमाएं सर क्या आ रही सर, बराबर आ रही। और हम क्या जानते हैं, सर अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर है तो सूत्र क्या होगा, सही होगा। सूत्र क्या होगा, सही, और बीमाएं बराबर नहीं तो सूत्र सही नहीं होगा।
अब आगे बढ़िए, अब सर आप सेकंड समीकरण पे आ जाओ। तो सेकंड तो कौन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या यही है क्या सर? ये है न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। कौन है सर ये? सर ये है न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। तो सर आप इसकी विमा लिखो, इसको चेक करो कि क्या सर ये सही है क्या। तो मेथड तो वही होगा, क्या करना है सर? सर दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे और देख लेंगे कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र सही नहीं है। अब करिए, सबसे पहले एस कौन है तो बताए सर, एस कौन है? तय की गई दूरी। यू कौन है? प्रारंभिक वेग। वी कौन है? देखो जो भी हम सूत्र ले रहे हैं उसमें जो सिंबल लिखे गए हैं सर, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए बेटा। वो सूत्र कहां से आया फिलहाल वो मानती, पर उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि यू कौन है? प्रारंभिक वेग। वी कौन है? अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। टी कौन है? समय। और एस कौन है? सर टी समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो आप बताओ एस कौन है? दूरी। तो दूरी क्या आएगा? एल वन। दूरी क्या होगी? एल वन। तो ये तो क्या हो गया सर? एल वन बराबर। आगे बढ़ो सर, यू कौन है? प्रारंभिक वेग। पर वेग चाहे प्रारंभ हो या अंतिम हो, विमा किसकी आएगी? वेग की। तो कितनी आएगी सर? ये लिखा था एल वन टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, पर इनटू में क्या टी भी है क्या? तो सर टी कौन है? टाइम। तो सर एक टी वन और आ जाएगा। ये लो यहाँ तो कौन है सर? दूरी है एल वन। फिर कौन है सर? वेग। सर एल वन टी माइनस वन, पर इनटू में कौन है? टी, टाइम। तो टी वन और आया। फिर आगे बढ़ो, प्लस कितना है सर? 1/2। तो मैंने पहले बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/2, 5, 6, 10 सर इनकी कोई विमा नहीं होती है। ध्यान रखना कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है सर, उनकी कोई विमा नहीं होती है। इसलिए सर क्या कहेंगे सर? 1/2 की कोई विमा नहीं, 1/2 की कोई विमा नहीं होती है। फिर कौन आया सर? एक कौन है? त्वरण है सर। एक कौन है? त्वरण। बताओ त्वरण की विमा कितनी सर? ये रहा L1T-2। किया सर आपने, त्वरण की विमा कितनी है सर? L1T-2 है। तो सर लिख दो L1T-2, पर इनटू में क्या है सर? टी स्क्वायर है। इनटू में कौन है सर? टी स्क्वायर है। क्या है सर? टी स्क्वायर है। तो बोलो टी, टी कौन है? टाइम। तो टाइम को क्या लिखेंगे? टी वन। तो ये आएगा टी स्क्वायर। इसको लिख टी वन लिखे, पर ऊपर क्या स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो गया। अब सोल्व करो बेटा आप, ठीक है? सोल्व करिए कितना आएगा सर? ये तो कौन है? एल वन है सर। ये कौन है सर? एल वन टी माइनस वन। एल वन तो आ जाएगा। अब बताओ ये टी की पावर कितनी है? माइनस वन। ये टी की पावर कितनी है? प्लस वन। तो हम जानते हैं आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो टी की पावर जुड़ी तो प्लस वन से माइनस वन के, तो क्या आएगा? टी की पावर जीरो। टी की पावर जीरो आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ो सर, यहां देखो एल वन, ठीक है सर। अब देखो ये टी की पावर कितनी है? माइनस टू। ये टी की पावर कितनी है? प्लस टू। तो आधार समान है तो घाते क्या होती है? जुड़ती है। तो प्लस टू माइनस टू क्या होगा? जीरो होगा। तो सर ये भी कितना क्लियर नहीं दिख रहा? जीरो। टी की पावर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अब देखो आप क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कितना है? एल वन। और ये कितना है सर? एल वन। और ये कितना है? एल वन। सर कौन नजर नहीं आ रहा? सर जो नजर नहीं आता है उसकी घात जीरो बना के लिख दो। तो यहाँ देखो एम और एल नजर नहीं आ रहा, सॉरी एम और टी, यहाँ एम और यहाँ पे एम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम जीरो एल वन टी जीरो। और ये कितना आएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। और ये भी कितना आएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। जो नजर नहीं आता है उसकी घात जीरो बना के लिख दो। अब देखो क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या? अब बताओ आप, देखो क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर? हाँ सर, इसकी भी कितनी है? एम जीरो एल वन टी जीरो। ये भी कितना है? एम जीरो एल वन टी जीरो। ये भी कितना है? एम जीरो एल वन टी जीरो। क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर आ रही है क्या? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर विमाएं बराबर है तो क्या कहेंगे कि सर ये भी सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है? सही है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण किया तो क्या बताया कि सर विमीय दृष्टि से सही है, दोनों ओर की विमाएं बराबर है। फिर न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण कर लिया, उसमें क्या देखा कि सर दोनों ओर की विमाएं क्या आई? बराबर आई। तो हमने कहा सर ये भी विमीय दृष्टि से क्या है? सही है। अब आप चाहो तो न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण भी चेक कर सकते हैं। सर ये रहा कितना है सर? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। याद है आपको सर, ये है न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण। सर कितना है सर? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां u कौन है? प्रारंभिक वेग। v कौन है? अंतिम वेग। a कौन है? त्वरण। और एस कौन है? तय की दूरी। आपको सिंबल का पता होना चाहिए, जो भी यहाँ सिंबल यूज हो रहा है सर उसका मीनिंग पता होना चाहिए। यू प्रारंभिक वेग है सर, ये रहा। वी अंतिम वेग है सर, ये रहा।
ए कौन है, तुअन है, सटी कौन है, टाइमर है, एस कौन है, तैकी के दूरी सर। अब बताइए तो यहाँ देखो वी कौन है, अंतिम वेग, तो किसकी में आएगी वेग की सर, वेग की में ये रहा सर, वेग की में कितनी है सर, एल वन टी माइनस वन लिखा है सर, तो ये आएगा सर कितना एल वन टी माइनस वन का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दी सर, वेग की में लिख दी कितनी लिखी सर एल वन टी माइनस वन, तो वेग का क्या होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया। फिर बताओ ये कौन है सर, यू यू स्क्वायर, तो यू कौन है सर, प्रारंभ वेग, तो कितना होगा सर ये वेग, चाहे अंतिम हो चाहे प्रारंभ हो, विमा किसकी आएगी वेग की ही आएगी, तो कितनी आएगी सर, तो ये विमा आएगी एल वन टी माइनस वन, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो देखो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी कर दिया, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, अब प्लस आगे कौन है बताओ सर, आगे है टू ए एस, क्या है आगे टू ए एस है, तो देखो बताया था कौन है टू सर, न्यूमेरिकल संख्या आ गई सर, इसकी कोई विमा नहीं होती है। फिर कौन है तुअन है सर, ए ए कौन है सर, ये रहा तुअन, क्या है सर एल वन टी माइनस टू, पहले लिख रखा है, तो क्या आएगा एल वन टी माइनस टू, और इंटू में कौन है बताओ, बोलो इंटू में कौन है सर, इंटू में है एस, एस कौन है तय की गई दूरी, तो दूरी क्या आ गई एल वन सर, दूरी कौन है एल वन, तो देखो ये लो एल वन, क्या कोई दिक्कत आई सर। वी कौन है अंतिम वेग, यू कौन है प्रारंभिक वेग, चाहे प्रारंभ हो चाहे अंतिम हो, दोनों बार विमा किसकी आई वेग की, ऊपर क्या है लगा दिया, उसको लगा दिया प्लस टू सर, न्यूमेरिकल सर विमा नहीं होगी। ए कौन है तुअन, तो तुअन की में क्या कितनी है एल वन टी माइनस टू। फिर कौन है एस, तय की दूरी सर कितना होगा एल वन। अब सोल्व करिए, इसको सोल्व करो कितना आएगा, ये पावर सर अंदर लेकर आओ तो ये पावर एल के ऊपर भी आएगी और टी के ऊपर भी आएगी, तो कितना आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू बराबर सर, इस ये पावर इसके दोनों के ऊपर आएगी, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस ये देखो ये कौन है एल वन और ये कौन है टी, सॉरी ये भी कौन है एल वन और ये भी कौन है एल वन, आधार समान है क्या, तो घाते जुड़ेगी तो वन प्लस वन कितना होगा टू, तो कितना आएगा एल की पावर टू और क्या आएगा टी माइनस टू। अब देखो आप, हमने दोनों ओर की विमाएं लिख दी, न्यूटन के गति का जो तृतीय समीकरण है सर, सर उसमें भी हमने क्या किया सर, दोनों ओर की विमाएं लिख दी, और क्या देखा सर आपने कि सर क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है या नहीं है, तो आप देखो यहां पर भी हमने क्या देखा कि सर दोनों ओर की विमाएं बराबर है, क्या देख रहे हो बेटा सर दोनों ओर की विमाएं क्या है बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है सर वो भी विमीय दृष्टि से सही है, कौन नजर नहीं आ रहा एम, तो जो नजर नहीं आता है उसकी घात जीरो बना के लिख दीजिए, तो कितना आएगा सर एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या आएगा सर एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, सर ये कौन है एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, हो गया क्या, तो आप देख रहे हैं कि सर दोनों ओर की विमाएं क्या है बराबर है, तो इस तरह से आप देखो हमने न्यूटन के गति के तीनों समीकरण देखे, न्यूटन के गति के हमने क्या किए सर तीनों समीकरण निकाले हमने, और क्या बताया कि सर चाहे पहला समीकरण हो चाहे द्वितीय समीकरण हो चाहे आपका तृतीय समीकरण हो, तीनों समीकरण में हमने क्या देखा कि सर दोनों ओर की विमाएं क्या है बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं सर न्यूटन के गति के जो तीनों समीकरण है, न्यूटन के गति के जो तीनों समीकरण है सर वो विमीय दृष्टि से क्या है सर सही है, विमीय दृष्टि से क्या है सही है, तो आपको आई थिंक पहला जो उपयोग है विमीय समीकरण का जो उपयोग है वो समझ में आ गया होगा कि हम विमीय समीकरण की सहायता से किसी भी भौतिक किसी भी सूत्र के सत्यता की जांच कर सकते हैं, उसकी यथार्थता की जांच कर सकते हैं कि वो विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। अभी एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं पर क्या ये तीनों क्लियर हो गए क्या, तो चलो बेटा आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब देखिए क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं पर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए बेटा उसमें, ठीक है। अब इसमें और क्या चेक करना चाह रहे हैं सर, देखो तो देखिए क्या है, एक सूत्र हम चेक करते हैं क्या
सर गतिज ऊर्जा के सूत्र को चेक किया जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र को चेक किया जा सकता है। ये दो फॉर्मूले हमने 9th और 10th दोनों लेवल पे सीखे कि अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेलोसिटी के साथ गति करे, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग के साथ गतिशील अवस्था में है तो इस वस्तु के पास जो गतिज ऊर्जा होती है सर वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये सूत्र आपने 9th 10th लेवल पे सीखा है कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग के साथ गतिशील अवस्था में हो तो सर उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, सर वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जहां e कौन है गतिज ऊर्जा, m कौन है वस्तु का द्रव्यमान, v कौन है वस्तु का वेग। ये तो है सर गतिज ऊर्जा, ये तो कौन है गतिज ऊर्जा है। अब दूसरा क्या है सर, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या होता है सर, ये हमारा सरफेस है। अगर हम धरातल से किसी m द्रव्यमान की वस्तु, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर हम उसको सरफेस से h ऊंचाई तक लेकर जाते, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है उसे सतह से हम उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हैं, और कितनी ऊंचाई तक लेके गए सर, h ऊंचाई तक उठाकर ले गए, h ऊंचाई तक उठाकर ले गए, तो अंडरस्टूड है कि सर इस वस्तु को जब हम उठाकर लेकर जाएंगे तो सर हमें काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसको पुश कर रहा है, खींच रहा है, या जो इसको पुल पुश है ना ऊपर की तरफ धकेल रहा है सर, काम उसको वर्क करना पड़ेगा, इसको ऊपर उठाकर लेके जाने में हमें काम करना पड़ेगा, तो हमारी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, हमारी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। पर आप जानते हो ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, तो सर हमारी ऊर्जा जो कम हुई वो सर गई कहाँ एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जो ऊर्जा हमारी कम हुई वो सारी ऊर्जा कहाँ पहुंच गई सर, वस्तु के पास पहुंच गई, इस वस्तु के ऊपर संचित हो जाती है, किस रूप में सर, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और कितनी होती है सर वो, यू बराबर कितनी होती है सर, एम जी एच। यदि हम एम द्रव्यमान की वस्तु को इस गुरुत्वीय त्वरण, देखो पृथ्वी क्या कर रही है सर, पृथ्वी वस्तु को वापस नीचे की ओर खींच रही, हम वस्तु को ऊपर लेके जाना चाह रहे और पृथ्वी उसे वापस नीचे खींचती, इस पर हमें किसे उठाने में काम क्यों करना पड़ रहा है, तो देखो हम इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं और पृथ्वी इसको नीचे खींचती है, तो इस विरोध के विपरीत हम उसको लेके जा रहे हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। तो जी विरोध क्या है सर, जी गुरुत्वीय त्वरण विरोध कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं सर, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, कितनी सर एच ऊंचाई पर। तो यदि m द्रव्यमान की वस्तु को g गुरुत्वीय त्वरण के विरोध के विपरीत अगर हम h हाइट तक लेकर जाएं तो हमें काम करना पड़ेगा, और जितना कार्य हम करेंगे उतनी ऊर्जा हमारी कम हो जाएगी, पर उतनी ऊर्जा किसके किसके ऊपर जाएगी, वस्तु पर, किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कितनी आएगी सर, एम जी एच, जहां यू कौन है वस्तु पर संचित स्थितिज ऊर्जा, एम कौन है सर वस्तु का द्रव्यमान, जी कौन है गुरुत्वीय त्वरण, और h कौन है सर हाइट, कितनी ऊंचाई तक वस्तु को लेकर गए। तो ये दो तरह की ऊर्जाएं हमने करी सर, एक तो कौन है गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो सर वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आगे करेंगे बड़ा चैप्टर में ऊर्जा खूब डिटेल से आएगी, पर ध्यान रखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा रखेंगे, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिति ऊर्जा रखता है, ठीक है। तो सर कोई m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग के साथ गतिशील अवस्था में हो तो सर उसके पास कितनी ऊर्जा होगी सर, हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा, और यदि m द्रव्यमान की वस्तु को हम पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाकर लेकर जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत हमें कितनी ऊर्जा उस पर, कितना कार्य उस पर करना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा उसके ऊपर संचित होगी सर, वो होगी u, कितना होगा एम जी एच। अब इन दोनों सूत्रों को चेक करो सर, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है सर, ये स्थितिज ऊर्जा सूत्र है सर, दोनों सूत्रों को चेक करो आप, इन दोनों सूत्रों को क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये दोनों सूत्र विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है, क्या ये दोनों सूत्र विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। तो आप बताइए e बराबर कितना है हाफ एम स्क्वायर, u बराबर कितना है एम जी एच। तो आप देखो कि सर यहां कौन है गतिज ऊर्जा और यहां कौन है स्थिति ऊर्जा, तो सर हमें एक विमा ऊर्जा की चाहिए सर। कैसे चेक करेंगे सूत्र सही है या गलत है, कैसे चेक करते हैं, तो बता तो दिया मैंने आपको कि सर दोनों ओर की विमाएं हमें लिखनी होगी, दोनों ओर की विमाएं हमें लिखनी होगी, और आप दोनों ओर की विमाएं लिखें और चेक करें कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या।
क्या दोनों ओर की बीमाएं बराबर है क्या? अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर होगा होगी तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र सही नहीं होगा। तो आप देखो इन दोनों में चेक कर रहे, तो सर एक तो ऊर्जा की बीमा चाहिए। सर ऊर्जा की बीमा कैसे निकालेंगे? सर बताया था कि सर कार्य की जो बीमा होती है सर वही ऊर्जा की बीमा होती है। सर कल आपने बताया था सर कि कार्य की जो बीमा होती है, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। सर कार्य और जो ऊर्जा है सर वो एक दूसरे के तुल्य होते हैं, और जो बीमा कार्य की है वही बीमा ऊर्जा की होगी। ठीक है, जो मात्रक कार्य का है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल और अग्नि, तो ऊर्जा भी क्या होगी? जूल और अग्नि। कार्य कौन है? अदिश, तो ऊर्जा भी कौन है? अदिश। मतलब कार्य ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, तो सर कार्य की जो बीमा होगी सर वही किसकी? ऊर्जा की। तो सर कार्य की मैं निकालो बल इंटू विस्थापन। तो सब देखो आप, पहले कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले बल, विस्थापन तो क्या आएगा? एल1। और कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए? बल। बल बराबर क्या होता है? बराबर एम ए, बराबर एम ए। फिर बल के लिए मुझे क्या चाहिए? त्वरण ए, तो ए बराबर क्या होता है? वी अपॉन टी, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण, त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए? वेग, तो वेग क्या होता है? सर एक्स अपॉन टी, विस्थापन में परिवर्तन। बैक फुट पे जाना सीखो। कभी भी कोई बीमा आपको रटनी नहीं है, बीमा को आप लिखना सीखे, बीमा को आप लिखना सीखो। हमें लर्निंग सिस्टम में नहीं लाना, कितना लर्न करोगे तो बनाना सीखो। सर कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए? बल। बल के लिए मुझे क्या चाहिए? त्वरण। त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए? वेग। तो पहले क्या आएगा? वेग, वेग से क्या आएगा? त्वरण, त्वरण से क्या आएगा? बल, और बल से क्या आएगा? कार्य। हो गया, और जो कार्य है वही कौन है? ऊर्जा है। काम हुआ आपका। तो सबसे पहले देखो किसके आएगा? वेग के। सर कितनी निकाले? सर निकाली एल वन टी माइनस वन, बहुत बार निकाली। सर कितनी बार निकालोगे? ये कितना आएगा? सर एल वन टी माइनस टू। त्वरण की मात्रा अभी भी तो निकाली आप, वेग निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया, सर क्या है? बल। तो बताओ बल कौन है? एम कौन है? द्रव्यमान, तो क्या आएगा? एम वन। और त्वरण कौन है? सर एल वन टी माइनस टू। ए बराबर क्या है? एम ए, तो सर एम वन एल वन टी माइनस टू। तो ये लो हमने बल की मां निकाल भी ली। क्या बल की मां निकाल ली? क्या सर इंटू में कौन है? विस्थापन। इंटू में कौन है? सर विस्थापन है। सर इंटू में कौन है? विस्थापन है। तो अब देखो, तो कार्य की मां कितनी आएगी? सर ये आएगी बल इंटू विस्थापन, तो कितना आएगा? एम वन एल वन टी माइनस टू, और इंटू में कौन है? डी विस्थापन, तो विस्थापन किसमें आएगा? एल वन में। तो अब देखो कितना आ गया सर एम वन, ये कौन है? L1, और ये कौन है? L1। आधार क्या है? समान, तो घाते क्या होगी? जुड़ेगी, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, तो L स्क्वायर और T माइनस 2। तो ये लो हमने कार्य की बीमा निकाल भी ली। पर अभी तो मैंने क्या बोला सर? जो बीमा किसकी है? कार्य की है। सर वही बीमा किसकी होगी? ऊर्जा की होगी। अब बताओ क्या ऊर्जा की बीमा निकल गई? तो अब आप इसके दोनों ओर की बीमा लिखो। तो किसकी चाहिए? ऊर्जा की। निकाल रखी एम कौन है? एम वन। सर M कौन है? सर M1 है। सर आप देखो M कौन है? सर M1 है। तो आप देखो यहाँ किसकी बीमा चाहिए? सर एक तो सिर्फ द्रव्यमान M1 है। सर वेग, सर ये रहा, निकाल लिया सर, अभी निकाला, कितना आया सर? ये रहा L1 T माइनस वन। और सर E कौन है? ऊर्जा। सर ऊर्जा भी निकाल ली। तो पहले जो जो बीमा चाहिए पहले उसको निकाल लो आप। देखो वेग चाहिए, त्वरण भी चाहिएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊर्जा भी चाहिए। त्वरण कहाँ? सर ये रहा, गुरुत्वीय त्वरण जी। M कौन है? द्रव्यमान सर M1। H कौन है? हाइट सर L1, ठीक है। G कौन है? सर त्वरण है, तो सर त्वरण कौन सा? सर गुरुत्वीय त्वरण। पर चाहे त्वरण कैसा भी हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, अवमंदित त्वरण हो, त्वरित त्वरण हो, बीमा किसकी आएगी? त्वरण की। तो आप देखो इन दोनों सूत्रों में जो जो बीमा चाहिए, इन दोनों सूत्रों में जो जो बीमा चाहिए वो सारी हमने निकाल ली है। किसकी चाहिए? वेग की, निकाल रखी है। किसकी चाहिए? ऊर्जा की, निकाल रखी है। एम कौन है? द्रव्यमान एम1, हो गया। यहाँ देखो एच कौन है? हाइट एल1। M कौन है? द्रव्यमान M1। अब क्या चाहिए? G गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की मैं निकाल रखी। सर U कौन है? ऊर्जा, उसर निकाल रखी। अब लिख के देख लो कि क्या दोनों ओर की बीमाएं बराबर है क्या। तो बताओ E ऊर्जा कौन है? कितने आई सर? ये सर ये आ गई M1 L स्क्वायर T माइनस 2 बराबर। आगे बढ़ो सर, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड देखो क्या होना चाहिए। दोनों ओर की बीमाएं बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों ओर की बीमाएं बराबर है तो सूत्र सही, और दोनों ओर की बीमाएं बराबर नहीं तो सूत्र गलत। अब देखिए, अब बताओ क्या आएगा? सर एक बटा दो की कोई बीमा नहीं होती है, छोड़ो। फिर कौन है? एम द्रव्यमान, तो सर एम वन। और सर फिर कौन है? वेग, वी। वी कौन है? वेग। सर कितना है? सर ये रहा एल वन टी माइनस वन, ये रहा वेग। कितना है सर? एल वन टी माइनस वन, वेग दे रखे, तो आप उठाइए कितना है सर? एल वन टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एल वन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा? तो ये आएगा आपका M1 L स्क्वायर T माइनस 2 बराबर। बोलो कितना आएगा?
एम वन, और ये क्या आएगा सर, एल वन टी माइनस क्या होल स्क्वायर, तो कितना आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये पावर दो दो दोनों के ऊपर आएगी, एल वन पे भी आएगी और टी पे भी आएगी, तो क्या आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो बताइए क्या हमने इसकी दोनों ओर की विमाएं लिख दी क्या? अब देखो कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या, अब आप चेक करो कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या। तो आप देखो इधर कितना आया सर, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर कितना आया एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या बेटा? आप देखो यहाँ दोनों ओर की विमाएं बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है, सही है। तो यही तरीका है पहला, यही इसका उपयोग है कि हम विमीय समीकरण की सहायता से किसी भी भौतिक सूत्र की यथार्थता की जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र विमीय दृष्टि से सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो सूत्र सही, और दोनों की विमाएं बराबर नहीं तो सूत्र गलत। तो बताओ ये सूत्र, तो ये तो आपका विमा क्या है, सही है सर। अब इसके बाद में यहाँ आई सर, इसको भी चेक करो कि सर स्थिति ऊर्जा का सूत्र है वो सर विमीय सही है क्या। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिखो, राइट हैंड साइड की विमा लिखो, दोनों साइड की विमा बराबर आनी चाहिए। तो यू कौन है ऊर्जा सर, पता है ये रहा कार्य जो ऊर्जा है। एम कौन है द्रव्यमान सर, एम वन। जी कौन है त्वरण सर, ये रहा त्वरण की विमा। कितनी है सर, ये रहा एल वन टी माइनस टू, निकाल रखा सर। एच कौन है हाइट, तो हाइट किस में आती है एल वन में, बताया था विस्थापन दूरी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई त्रिज्या सब किस में एल में आती होता। तो पहले यू लिखो, तो यू कितना है सर, ये रहा कार्य आता सर वो, तो कितना आएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू, अभी इधर आ जाओ बराबर। अब बताओ एम कौन है द्रव्यमान सर, तो एम वन आएगा सर। फिर इनटू में कौन है सर, जी कौन है त्वरण है सर, सर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, पर बता दिया कि त्वरण चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे मंदित त्वरण हो चाहे त्वरित त्वरण हो, कैसा भी त्वरण हो विमा त्वरण की ही आने वाली है, विमा त्वरण की ही आएगी। तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका एल वन टी माइनस टू, ये रहा एल वन टी माइनस त्वरण निकालक है। अब बताओ इनटू में कौन है एच, एच कौन है सर, वस्तु को हम धरातल से कितनी ऊंचाई पर लेकर गए, तो एच कौन है हाइट, हाइट क्या आएगा एल वन, हाइट ऊंचाई क्या आएगी एल वन। अब सोल्व करिए तो कितना आएगा सर एम वन एक ही है सर, फिर एल वन सर ये रहा और ये रहा, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो ये एल की पावर वन, ये एल की पावर वन, तो क्या होगा एल की पावर वन प्लस वन कितना टू, तो एल स्क्वायर, और ये कौन है सर टी माइनस टू, तो इधर कितना आया सर एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप इसमें भी देखो कि क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या, क्या दोनों ओर की विमाएं बराबर है क्या, तो हम बोलेंगे कि सर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है, दोनों ओर की विमाएं बराबर है यहां पर भी। तो आपने गति ऊर्जा का सूत्र निकाला, आपने स्थिति ऊर्जा का सूत्र निकाला सर, यहाँ दोनों की विमाएं बराबर, तो सूत्र क्या है सही है सर। अभी तक सर हमने जितने भी सूत्र लिए सर सब सही निकल रहे सर, गलत कौन सा है, तो एक्चुअल में सही क्यों निकला कि हमने सूत्र सही लिखे हैं सर। अब मैं आपको सपोज करो इस गतिज ऊर्जा को आपने क्या लिखा सर, गतिज ऊर्जा सूत्र को हमने लिख दिया हाफ एम बी स्क्वायर, क्या लिखा सर हाफ एम बी स्क्वायर लिखा। सपोज करो आप इसको क्या लिख दो सर, E बराबर ही सूत्र लिख दे हाफ एम बी क्यूब, और कहे बताओ सूत्र सही है क्या, चेक करो एक्चुअल सूत्र क्या होना चाहिए सर, हाफ एम बी स्क्वायर हम जानते हैं सर, पर उसने ये लिख दिया कि गति ऊर्जा कितनी होती है हाफ एम वी क्यूब, चेक करो सही है क्या। तो आप देखो ये सूत्र गलत आएगा, क्योंकि सर हाफ एम वी क्यूब नहीं होता, कितना होता है सर सूत्र सही क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, तो सूत्र सही ले रहे तो सही निकलेगा वो। अब उसने गलत सूत्र लिख दिया, देखो गति ऊर्जा कितना लिखा हाफ एम वी क्यूब, तो बताइए हाफ एम वी क्यूब थोड़ी होता है, क्या होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये सही है, इसको चेक करो क्या सूत्र सही है क्या। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करो क्या सूत्र सही है क्या। तो आप देखो इसको चेक करो, क्या कहा सर E बराबर कितना है हाफ एम वी क्यूब, देखो क्या सूत्र विमीय दृष्टि से सही है क्या। तो E कौन है ऊर्जा, तो ऊर्जा की विमा कहां सर, ये रही ओके, कितनी है सर, ये है आपका एम वन एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ओके बराबर हो गया। अब सर बढ़िया आगे क्या है सर, एक बड़ा दो एम वी क्यूब, तो जानते हैं सर एक बटा दो की कोई विमा नहीं होती है, हम जानते हैं एक बटा दो की कोई विमा नहीं होती है ओके। फिर कौन बचा m, m कौन है द्रव्यमान सर, द्रव्यमान की विमा तो कितनी होगी m1 होगी। इनटू में कौन है सर वेग, वेग की पावर क्यूब है,
तो सर वे क्यूमा लिखो, तो बताओ वे क्यूमा कितनी सर, ये रहा एल वन टी माइनस टू, कितनी है सर एल वन टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस वन, तो क्या आएगा सर एल वन टी माइनस वन की पावर कितनी है क्यूब, क्यूब है तो क्यूब लगाइए, तो सॉल्व करो कितना आएगा सर, ये आएगा एम वन और ये पावर क्यूब है अंदर दोनों पर जाएगी, ये पावर क्यूब अंदर दोनों पर आएगी, एल पर भी आएगी और टी पर भी आएगी, तो कितना आएगा सर एल की पावर क्यूब और टी की पावर माइनस क्यूब, एल की पावर क्यूब और टी की पावर क्या आएगा सर माइनस क्यूब आएगा। अब इधर देखो कितना है सर, इधर है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप देखो कि ये सूत्र क्या विमीय दृष्टि से सही है क्या, तो देख लो सर अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है, दोनों ओर की विमाएं क्या है बराबर है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं तो सूत्र सही नहीं है। तो आप बताओ यहाँ कितना है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस, अब देखो इधर कितना है एम वन, एम की पावर तो सही है पर यहाँ क्या है एल क्यूब और टी की पावर माइनस क्यूब, जबकि यहाँ पे कौन है एल स्क्वायर और टी माइनस टू, तो आप देखो दोनों ओर की विमाएं सही बराबर नहीं है, हम बोलेंगे ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं है। तो इस तरह से चेक करो, बहुत सारे गलत सूत्र आ सकते हैं, जैसे अब मैंने ये कहा कि सूत्र को चेक करो, जैसे हमने कहा कि सर एफ बराबर मास इनटू वेलोसिटी, चेक करो क्या सूत्र सही है, सर ये सही सूत्र कैसे होगा, एफ बराबर तो एम ए होता है सर, एफ बराबर तो एम ए ये होता है सही, तो देखने से पता पड़ जाता है कि वो सूत्र सही है या फिर गलत है। एफ बराबर क्या लिखा है एम इंटू वी, अरे सर ये m into v तो क्या होता है सर, संवेग होता है मास into velocity, आपने बता दिया सर, तो संवेग लिखेगा तो सही है, अब m into v को वो बल लिखेगा तो क्या वो सूत्र सही होगा क्या, नहीं सर। तो अब देखो ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं आएगा, लिख के देख लो चाहिए सर, क्या चाहिए बल, बल की मा सर ये लिखिए सर, बल की मा ये एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, तो बोलो कितना है एम वन एल वन टी माइनस टू बराबर, अब एम कौन है द्रव्यमान सर ये क्या आएगा एम वन, सर v कौन है वेग सर कितना है सर ये रहा एल वन टी माइनस वन, तो एल वन टी माइनस वन, तो ये कितना आया सर ये आया एम वन एल वन टी माइनस टू और ये कितना आया एम वन एल वन टी माइनस वन। अब बताओ क्या ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही है क्या, सर देख लो इसमें रटना क्या है, सिंपल सर आपने समझा दिया कि अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है, अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर है तो सूत्र सही है, और अगर दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो सूत्र सही नहीं है। आप बताओ इधर विमा कितनी आई m1 m1 सही है सर, l1 l1 सही है सर, ये है t की पावर माइनस टू और यहाँ है t की पावर माइनस वन, इसका मतलब ये सही नहीं है, दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं है तो ये सूत्र भी विमीय दृष्टि सही नहीं है। तो एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है,